सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 73 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। It has taken from the subject Social Science, Economics, and we will revise the chapter Globalization and the Indian Economy. In this worksheet, we'll also discuss very short answer type questions, that is one marker questions in this worksheet. So, board point of view से ये one marker questions बहुत ही ज़्यादा important होते हैं, तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से understand कीजिए ताकि आपके 16 marks तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आ जाएं और उसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और 16 marks, क्योंकि 16 marks के ये one marker question आपके board exam में आएंगे और उनको आप बहुत आराम से कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो। So now let's start and understand with me. So the first question is, what is globalization? So the answer is, globalization is the process of rapid integration or integration between different countries. Yani globalization ek process hai jo rapid integration ki ek process hai, kya different countries ke beech jo integration hota hai unke beech mein jo ekikaran hai, judav hai, usi ko hum globalization kehte hain. Question number 2 is, give one example of trade barriers. Trade barriers क्या होते हैं? जब आप trade करते हैं तो government की तरफ से जो barriers लगाए जाते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको trade करने में मुश्किलें जिसमें आती हैं, problem face करनी पड़ती हैं, उन्हें हम trade barriers कहते हैं। तो one example of trade barriers is tax on imports, यानी जब हम कोई चीज़ बाहर से import करते हैं और उस पर हम tax लगा दें तो वो ट्रेड बैरियर बन जाएगा, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? सो द आंसर इज, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया इन 1991। क्वेश्चन नंबर 4 इज, प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन MNC। वॉट इज MNC? मल्टी नेशनल कंपनी। तो इंडियन मल्टी नेशनल कंपनी का एक एग्जाम्पल वो है टाटा मोटर्स। आपकी बुक में तो कई सारे और एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन आप उनमें से कोई भी एक दे सकते हैं, मैंने उसमें से एक लिया है टाटा मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डू MNCs इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज? यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में क्यों इन्वेस्टमेंट करती हैं? तो आंसर इज, MNC इन्वेस्ट डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज दे हैव चीपर लेबर अवेलेबल देयर। तो देखिए, वो इसलिए वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि उनको वहाँ पर चीपर लेबर मिलती है, इसलिए वो वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MNCs। तो MNCs का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज इज टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट बाय मेकिंग देयर गुड्स और मेकिंग देयर प्रोडक्शन चीपली इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो उनका मेन एम यही होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्शन को करवा के वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर पाएँ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर? ये तो अभी ऊपर भी हमने समझा था कि इनमें से आपको बताना है कि ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल कौन सा है। फॉरन इन्वेस्टमेंट, नो। डिले और डैमेज ऑफ गुड्स, नो। नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो आंसर इज सी, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। Now the question number 8 is, filling the blanks. Removing trade barriers or restrictions set by government is called, देखिए जब trade barriers को हटाया जाता है government के द्वारा या restrictions को हटाया जाता है जो कि उन्होंने लगा रखी होती हैं, तो इस process को हम कहते हैं liberalization। क्या कहते हैं? Liberalization. Now the question number 9 is, rewrite the statement after correcting the underlying phrase. देखिए यहाँ पर एक अंडरलाइन फ्रेज है, ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स हेल्प टू कनेक्ट डिफरेंट इकोनॉमिक या इकोनॉमी आना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए, क्या ट्रेड बैरियर हेल्प करते हैं डिफरेंट इकोनॉमी को कनेक्ट करने में? तो ये
थोड़ा सा वाइड है, क्योंकि इसमें ये तीनों ही आंसर फिट हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ राइट आंसर, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है और लिबरलाइजेशन भी हो सकता है। लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजी हेल्प टू कनेक्ट द डिफरेंट इकोनॉमिक या इकनॉमी, यहाँ पर इकनॉमी होना चाहिए। तो आप इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ करते हुए इसको सेंटेंस को रीराइट करेंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In the question given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. आपको क्या करना है कि यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है और जो उसका रीज़न है, क्या वो सही हैं दोनों, और जो रीज़न उसको सही एक्सप्लेन करता है, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि रीज़न उसको सही एक्सप्लेन नहीं करता, या थर्ड ऑप्शन है कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न ही उसका रॉन्ग है, या असर्शन ही रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है। तो चलिए एक बार देखते हैं, लेट्स सी। असर्शन इज सम कंट्रीज अनफेयरली इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अनफेयरली जो है ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं। इसका रीज़न इन्होंने दे रखा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम ही यही है, इंटरनेशनल ट्रेड से बैरियर्स को, ट्रेड बैरियर्स को हटाना। तो देखिए, ये हालांकि दोनों चीज़ें सही हैं, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन असर्शन को का जो रीज़न है ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो इन माई ओपिनियन करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसका आंसर हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।